लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों के लिए भामाशाह ने राहत सामग्री के 1000 पैकेट किए वितरण। भामाशाह श्रवण कारोड़िया और रामकरण सैनी कर रहे हैं बेसहारा लोगों की मदद। जब तक चलेगा लॉकडाउन तब तक बांटी जाएगी खाद्य सामग्री। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों के लिए भामाशाह द्वारा गरीब परिवार लोगों की मदद की जा रही है। हरमाड़ा के वार्ड नंबर 3 में गरीब बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने और राहत पहुंचाने के लिए खाना पकाने के लिए खाद्य सामग्री के 1000 पैकेट वितरित किए गए। इस पैकेट में आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च, चाय, साबुन, सब्जियां आदि शामिल है। जानकारी के अनुसार भामाशाह श्रवण कारोड़िया व रामकरण सैनी ने बताया कि यह सामग्री एक परिवार को लगभग 20 दिन के लिए पर्याप्त होगी। कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत सामग्री के पैकेट वितरण किए गए। श्रवण कारोड़िया ने बताया कि इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 3 के पार्षद सुनील कुमार सैनी उपस्थित में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जहां पार्षद सैनी ने कहा कि ये बड़ा ही सराहनीय काम है क्योंकि राज्य भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है। इसी को देखते हुए दिहाड़ी मजदूर परिवार भूखा नहीं रहे, इसी की मंशा पर भामाशाह द्वारा खाद्य सामग्री निःशुल्क वितरण की जा रही है। इसी दौरान भामाशाह कारोड़िया ने बताया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम गरीब के लोगों को खाद्य सामग्री लगातार दी जाएगी, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर। सर, आप जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण कर रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहना है? मैं मेरे वार्ड नंबर 3 में जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मैं खाद्य सामग्री जैसे कि आटा, दाल, मिर्ची, हरी सब्जी का वितरण कर रहा हूँ, जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक करता रहूँगा। और बना के भी खाना 500 आदमियों का खाना डेली बना के वितरण कर रहा हूँ। 1000 पैकेट मैंने बांटे आज और डेली मैं वितरण करता रहूँगा। तो सर, जैसे आपने 1000 पैकेट बांटे तो उसमें क्या क्या बांटा है? उसमें 5 किलो आटे का पैकेट है, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है और अन्य जो सामग्री आती है खाने खाद्य सामग्री, वो सारी हरी सब्जी बांटी है। तो सर, ये सामग्री जैसे आपने वितरण की तो कितने दिन चलेगी? ये एक आदमी कम से कम 5 दिन चलेगी, एक परिवार, छोटे परिवार। अच्छा। और आगे आगे भी मैं लॉकडाउन तक ये करता रहूँगा, मेरे वार्ड में किसी को भूखा नहीं रहने दूँगा।